पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुर अतिसांद्र कृपैक सिंधु वैदग्ध लावण्य सिंधु रसमूर्ति कृपाइक सिंधु श्रीराधिके स्फुरतु मे रसकेली सिंधु वृंदाई तुलसी देवै प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम हरि राम 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 बोलो हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करते 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 जब श्री माधवेंद्रपुरी जी को साथ में उनका भेंट हुई बैठो जरूर जब माधवेंद्रपुरी जी को साथ में उनका भेंट हुई तब श्री नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं आज मेरे तीर्थाना सार्थकता हो गया। बोले क्यों? बोले श्री माधवेंद्र पुरी जी को साथ में मारी साक्षात्कार हो गया। इसका तात्पर्य यह है कदि जीवन का जो सर्वोत्तम लाभ किया है कदि जीवन का सर्वोत्तम लाभ है बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम उसके बाद में दहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसलिए एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है लेकिन उसमें ज्यादा दुर्लभ क्या है बोले वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जब भक्तों का दर्शन जीवन में हो जाए क्या समझो सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना निसंशय च अत्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना भव अपवर्ग भ्रमेत भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जन्यस्य तहीर अच्युत सत्समागम सत्समागम जहीर तदैव परावर से जाए तो इरत। इसका मतलब है कदि जीवन में भक्तों का दर्शन कब मिलता है कदि जब संसार का सारी दुख कष्ट का समाप्ति आ गया और हमें ये संसार में दुख कष्ट भोगना नहीं अभी भगवत प्राप्ति के समय आ गया है भगवत धाम में को जाने का जीवन में समय आ गया। बोले तहीर अच्युत सत समागम तभी जीवन में भक्तों का दर्शन हो गया भक्तों का दर्शन मिलता है इसलिए सबसे बड़ा दुर्लभ इसलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं सारे तीर्थ भ्रमण करने का आज हमें फल प्राप्त हो गया। महाप्रभु क्या कहते हैं प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार जब तक खण देखिला चरण तुम्हारे कद आज मेरी गया आना सार्थकता हो गया क्योंकि आज श्री गुरु जी का दर्शन मिल गया है। बोले पिंड पितृ पिंड दिले तरे सही जन तुम्हा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खने भव बंध भाई भी बन जन। कद जब हम पितृ पुरुषों को उद्देश्य में गया में जाकर के पिंड देते हैं किसको उधार होता है बोले जिसको उद्देश्य से पिंड देते हैं उधार नहीं केवल उनका थोड़ी सी पाप दूर होता है हैं? लेकिन तुमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खाने भवबंध जब हम एक शुद्ध भक्तों का दर्शन करते हैं उनका चरण आश्रय ग्रहण करते हुए भक्ति करते हैं बोले सही खाने कोटि बोले एक पितृपुरुष नहीं बोले कोटि पितृपुरुषों का उद्धार हो जाता है। अतएव तीर्थ न है तुम्हार समान महाप्रभु कहते हैं हम भक्तों के साथ में कोई तीर्थ को हम बराबर नहीं कर सकते इसलिए तीर्थ कुर्बंती तीर्थानी कहते तीर्थों को जो तीर्थत्व प्रदान करने वाले कौन बोले वैष्णव लोग हैं। तीर्थों को जो तीर्थत्व प्रदान करते वैष्णव लोग तीर्थ प्रदान करते इसलिए कल हम लोगों ने ये श्रवण किया था आज हम लोग ने श्रवण किया करेंगे श्री लक्ष्मी प्रिया को साथ में महाप्रभु का शादी कैसे हैं? अभी महाप्रभु धीरे धीरे जब बड़े हो गए हैं अभी बड़ी हो गई तो
अभी सच्ची मैया के मन में है बड़ी इच्छा है, हर पिता माता क्या चाहते हैं, बेटा का जल्दी जल्दी शादी हो जाए, हैं घर में बहू आ जाए, इसलिए सच्ची मैया बड़ी चिंता है, बेटा का शादी नहीं हुआ शादी नहीं हुआ। फिर सच्ची मैया सोचती हैं पता नहीं निमाई अभी राजी है कि नहीं शादी के लिए, हैं शादी के लिए अभी बेटा राजी है कि नहीं। एक दिन क्या हुआ, श्रीमन महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए गए थे और उसमें लक्ष्मी प्रिया भी वो भी गंगा स्नान करने के लिए गई थी। जब आते समय अभी विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी प्रिया को साथ में रास्ता में श्री चैतन्य महाप्रभु का भेंट हो गया तो इतने में जो लक्ष्मी प्रिया थी कद जो लक्ष्मी प्रिया थी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया है? चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया क्योंकि कद शक्ति शक्ति मदर अभेद और ये इनका जो संबंध है ये नित्य संबंध है, क्योंकि सब शिवधाम सह अवतरी वो अकेले भगवान नहीं आते हैं, वो अपना शक्तियों के साथ में आते हैं, और जब तक शक्ति नहीं हो ना तब तक पूर्ण भी नहीं है। इसलिए अभी दोनों को देख करके महाप्रभु श्री लक्ष्मी प्रिया को देखे, लक्ष्मी प्रिया श्री महाप्रभु को देखे, दोनों देख देख करके आपस में पहचान गई ये मेरी शक्ति है और ये मेरे शक्तिमान है, दोनों को पहचान गए। जब पहचान गए इतने में जो घटक होता है, घटक जानते हैं ना, जो बीच वाली कहते हैं बीच में, उड़िया में क्या बोलते हैं, मध्यस्थी कहते, जो बीच में हाँ लड़का लड़की के पक्षों को देख करके जो स्थिर करते हैं, क्योंकि लव मैरिज तो पहले था नहीं, इसलिए अपना मन मर्जी शादी कर ले, लड़की को पसंद करते लड़की पसंद करते हैं, इसलिए आई लव यू आई लीव यू आई की लीव है, इसलिए लास्ट में क्या होता है मामला मुकदमा कहा कोर्ट में चली जाती है, हाँ क्योंकि इस सारा जीवन ये नहीं चलती है, हैं जो लव मैरिज है ना इसलिए ज्यादातर नहीं चलती है, इसलिए पहले शादी कैसे होती थी, ऐसी शादी नहीं कर देते, अपना वर्ण जाति के हिसाब से शादी होती थी, फिर जन्म पत्र मिलाई जाती थी है, कितना गुण किसमें मिलता कि नहीं, फिर क्या होता था सारा जीवन वैदिक विधि विधान के अनुरूप शादी करने पर मंत्र को साथ में अग्नि साखी करके पूरा परिवार को साखी करके शादी करने पर विधि विधान को साथ में क्या होता है वो शादी चिरकाल के लिए टिकता था है, वो शादी टिकी रहती थी। लेकिन अभी इतने डाइवोर्स क्यों होता है, डिवोर्स क्यों होता है, कारण ये है बस मन मर्जी शादी कर लिए, हाँ घूमते फिरते देख लिया, हाँ शादी कर लिए, दो दिन बाद में टूट जाती है, दो दिन बाद में टूट जाती है। एक उदाहरण दिया है कि जो वैदिक जो विधान है ना, वैदिक एक उदाहरण दिया, जैसे कोई मशीन निकलता है हर मशीन को साथ में एक मैनुअल भी होता है, अगर मैनुअल को पढ़ करके मशीन को चलाओ मशीन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर मनमानी अगर मशीन को चलाएगी बगैर मैनुअल के क्या होगा मशीन खराब हो जाएगी। कहते उसी तरह भगवान जब ये विश्व ब्रह्मांड बनाए उसी समय एक मैनुअल भी बनाए क्या, ये हमारे मनु संहिता, मनु महाराज ने, हम लोग मानव कहते हैं ना, इसलिए मनु महाराज ने जो मनु संहिता बनाए सारे चीज को एक एक कर बनाए, कैसे किसको प्रति कैसे व्यवहार होनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए संसार में, किस रूप में रहनी चाहिए संसार में, किसका प्रति कैसे व्यवहार हो तुम्हारी है, और सब के सब नीति नियम को अच्छी तरह से वर्णना किए, गीता भागवत पुराण ये सब के सब मैनुअल है, अगर इसको साथ में अगर चलेंगे फिर जीवन क्या होगा आनंदमय चलेगा, अगर मनमर्जी अगर चलेंगे भैया फिर तो दो दिन बाद में लड़ाई झगड़ा अशांति, फिर तो पहले चंद्रमुखी फिर तो सूर्यमुखी फिर तो ज्वालामुखी है, फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए उसी समय में हैं कहते एक बल्लभाचार्य थे जो घटक है जो बीच में मध्यस्थ हैं, ये मध्यस्थ करने वाले, इतने में ये बल्लभाचार्य गए श्री सच्ची माँ के पास में, बोले देखो हैं, बोले देखो हाँ नहीं ये नहीं, इसलिए ये जो बल्लभाचार्य हैं इनकी हैं इनकी बेटी श्री लक्ष्मी प्रिया, इनकी बेटी लक्ष्मी प्रिया
जो बीच में जो मध्यस्थ जो शादी करवाने वाले कहते उनका नाम है श्री बनवाली, ये गए श्री सची माँ के पास में, बोले तुम्हारी बेटा बड़ा हो गया है और ये वल्लभाचार्य की एक बट्टी है, बड़ी सुंदरी है, तुम्हारी बेटा जैसे सुंदर है वही अपूर्व सुंदरी है, आप भी ब्राह्मण घर के, वो भी ब्राह्मण घर के, इसलिए आप बेटा का शादी नहीं करवाओगे। सची मैया ने उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिया, पता नहीं बेटा का क्या इच्छा नहीं इच्छा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, कोई उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया, आग्रह नहीं दिया। लेकिन इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन महाप्रभु अपना लक्ष्मी प्रिया को देख करके पहचान गए, ये मेरी लक्ष्मी है, हैं ये मेरी लक्ष्मी है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, इतने में महाप्रभु जब घर में महाप्रभु जब आए, इतने में महाप्रभु ने सची माँ को बोले, बोले माता जी ये जो बनवाली आप हमारे घर में आए थे शादी की बात करने के लिए, लेकिन रास्ता में उनसे हमारी मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा आप घर में गए थे कोई बात किए, बोले माता जी की तुम्हारी शादी में हमने कोई आग्रह नहीं देगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, तुमने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया, आग्रह तुमने क्यों नहीं दिखाया। इसका मतलब है सची माँ समझ गई महाप्रभु की शादी की इच्छा है, हैं इच्छा है, जब समझ गए, वो पहले सोच रहे थे पता नहीं महाप्रभु शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, हैं जब समझ गए फिर सची माँ ने हाँ भर दिया, ठीक है हमारे बेटे को साथ में उनकी बेटी की शादी होगी। तो जो बनवाली वो थे बोले देखो बेटी जिस घर में जन्म हुई पहले ब्राह्मण लोग क्या करते थे, हैं इनका क्या काम था, बोले पूजा पाठ करना, हैं अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह और जजन और जाजन, इनका यही काम था, पहले ब्राह्मण लोग बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं करते थे, हैं इनका काम ही पूजा पाठ भक्ति यही इनका काम था, इसलिए ब्राह्मण लोग एकदम साधारण लोग होते थे ब्राह्मण लोग। तब तो उन्होंने बोला देखो जो बेटी पक्ष वाले है ना कुछ नहीं दे सकते, उनके पास में देने का जो दहेज है कुछ है ही नहीं, केवल 5 हरित देंगे इतना ही दे सकते। सची मैया बोले कोई कुछ देने का जरूरत नहीं, केवल बेटी को दे दो, पहले जो दहेज का जो प्रथा है ना, है ये दहेज का प्रथा पहले ऐसे जोर जबरदस्ती नहीं, अभी तो दहेज के लिए मरवा देते हैं लड़कियों को, है इसलिए सरकार बड़ा स्ट्रिक्ट करती है, अगर कोई दहेज मांगता है पकड़े गए तो उसको दंड जेल जेल दिया जाएगा, है पहले प्रेम से होता था, है इसलिए प्रेम से अगर कुछ दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इसलिए देखो भगवान भी सिखा दिए, केवल 5 उन्होंने हरित की, हरित केवल हरड़ा हरड़ा क्या बोलते हैं, इसलिए केवल 5 हरित से ही महाप्रभु की शादी हुई। फिर उन्होंने सुबह लग्न को देख करके शादी से एक दिन पहले आकर के जो अधिवास को उन्होंने नीति नियम से पूरी की, और दूसरे दिन ठीक गोधूली लग्न में शाम का समय में श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने लड़की को घर में लेकर गए और वहीं पर उनकी शादी उनकी हुई। शादी करके फिर उन्होंने वापस आ गए अपना घर में, वापस आए, जब वापस आए कद अधिवास लग्न कर ले न शुभ दिने, नृत्य गीत नाना वाद्य बाए नट गणे, नृत्य गीत वाद्य महा उठिल मंगल चतुर्दुगे, लेह देह सुनी कोलाहल देवगण देव बंधु गण नर रूपे, प्रभुर विवाहे आसी आछेन कौतुके, शेष सर्व अलंकार करिया भूषित लक्ष्मी कन्या अनिलेन मिश्र प्रभुर समीप। हैं अभी भगवान का शादी है, साधारण तो शादी है ही नहीं, इसलिए महाप्रभु का शादी में जैसे बड़े सुंदर वाद्य ना गान नाच है, मंगल गीत चरित्र में बड़े कोलाहल है, इतने में देवता लोग भी नर रूप में आ गए, कहते तो देवियां थी ना वो भी नर रूप में आकर के हैं सबके सब शादी के आनंद को, ये सबके सब शादी के आनंद को ले रहे थे। अभी श्री लक्ष्मी प्रिया को बड़ी सुंदर अलंकार से इनको विभूषित करके उन्होंने श्री महाप्रभु के पास में जैसे शादी में बैठाते है ना उनको पास में बैठाए, और अग्नि की साखी करके ये शादी का जो नियम हो साथ में महाप्रभु का उन्होंने शादी करवाए।
शादी के बाद में फिर क्या होता है, सात बार अग्नि को परिक्रमा करते हैं, हैं? इसलिए फिर अग्नि परिक्रमा करके लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ करके वहीं पर महाप्रभु को गले में उन्होंने सुंदर माला पहनाए, महाप्रभु भी माला पहनाए, फिर उन्होंने श्री लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु का चरण में उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। इसलिए उनके चरण में आत्मसमर्पण कर दिया, बोले जथा विधि रूप कन्या करी समर्पण आनंद सागर हैल मगन ब्राह्मण। कहते केह बोले ये कैसे, इनका जोड़ी कैसे, वहां पर लोग तरह तरह का उपमा दे रहे थे, बोले ऐसे लग रहा है जैसे ये सची और इंद्र है, कोई बोल रहे थे नहीं लग रहा है जैसे हर पार्वती और श्री शंकर जी, कोई बोल रहे थे नहीं ये तो सीताराम जैसे दिख रहे हैं, सीताराम जैसे, कोई बोल रहे थे नहीं लक्ष्मी नारायण जैसे दिख रहे हैं, कोई कह रहे हैं ये तो साक्षात श्री राधे और श्याम राधे कृष्ण जैसे दिख रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे थे। बोले जे सुना ये प्रभुर विवाह पुण्य कथा तहार संसार बंध ना है सर्वथा। कहते भैया हम लोग तो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग है, भैया हम लोग ये शादी की बात क्यों सुनेंगे, कहते हम ये शादी की बात क्यों सुनेंगे, हम तो ब्रह्मचारी सन्यासी है। लेकिन यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं इनका फलश्रुति क्या है, कहते महाप्रभु का शादी का बात जो सुनेंगे ना उनका संसार का बंधन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, महाप्रभु का शादी की बात कर सुनो तो तुम्हारी शादी खत्म। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं संसार की विवाह का अगर बात सुनेगा तो क्या होगा, कत बंधन। इसलिए ना साधु लोगों को शादी वादी में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शादी में जाओगे ना जैसे नारद जी जब आ रहे थे इतने में शादी हो रही थी, भुवन मोहिनी की शादी हो रही थी, बास बोले थोड़ा लड़की का हाथ देखो तो, बोले बाबा रे ये लड़की का जो हस्तरेखा है ना, ये कहता है इसको साथ में जिसके शादी होगी त्रिभुवन विजेता होगा, कभी इसका मृत्यु नहीं होगा, सारा विश्व ब्रह्मांड में इसकी जयजयकार होगी और माँ लक्ष्मी के घर में निवास होगी। नारद जी ने देखा इसका हाथ इतने सुंदर हैं, लेडीज फिंगर कहते ना, इसलिए इतने सुंदर, इसलिए उनके हाथ को देख करके नारद जी का मुंह में पानी आ गया, बोले भैया सबके सब दो दो है, लक्ष्मी नारायण सीता राम राधे श्याम सची इंद्र, जब सब दो तो मैं अकेला क्यों रहूं, मैं भी दो हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया, इसलिए साधुओं को ना शादी में उनके नहीं जानी चाहिए है, नहीं जानी इनको चाहिए, क्योंकि दूसरा का शादी देखेगा तो अपना मन में संसार की वासना आ जाती है, ये सब दूर, ये सब वस्तुओं से दूर रहनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं साधारण सांसारिक विवाह को अगर कोई श्रवण करे तो उसमें बंधन है, हैं? इंद्रिय तर्पण पर कहे, लेकिन ये जो महाप्रभु का जो शादी भगवत विवाह रूपी चीत लीला विलासक सकल संभोग विषय प्रभु सब तार आश्रय, एकमात्र महाप्रभु भगवान एकमात्र भोक्ता, जगत में सब कुछ उसका भोग है। कहते वहां पर अपराकृत भगवान का जो शादी वो दिव्य अपराकृत, कहते वो जो कथा कोई अगर श्रवण करे तो उसकी संसार का जो बंधन है, कहते ये बंधन उसकी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री लक्ष्मी प्रिया को साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का शादी इस रूप में हुई। अभी उसके बाद में अभी द्वादश अध्याय में कहते हैं महाप्रभु ऐसे विद्वान, उस समय महाप्रभु स्वयं टीचर थे, महाप्रभु पढ़ाया करते थे, महाप्रभु हम बोलते हैं ना अगर एक महीना कोई महाप्रभु के पास में पढ़ लिया, एक महीना केवल कोई पढ़ लिया ना जगत में धुरंधर विद्वान बन जाते थे, ऐसे महाप्रभु का पढ़ाई का ऐसे उनका टेक्निक था, एक महीना पढ़ लिया तो धुरंधर जगत में पंडित बना देते थे महाप्रभु। क्या महाप्रभु का तीव्र बुद्धि, बड़े बड़े भट्टाचार्य षडाचार्य और बड़े बड़े सबके सब हैं, सबके सब चक्रवर्ती बड़े बड़े पंडित, जब महाप्रभु को अगर देख लिया दूर से ये रास्ता में आ रहे ना, देखकर डर जाते थे, अपना रास्ता घुमा लेते थे, क्योंकि महाप्रभु ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे फांकी हैं,
ऐसे ऐसे फांकी है, फांकी ऐसे प्रश्न करते थे, कोई उत्तर देने का हिम्मत नहीं होता था। महाप्रभु जोर जबरदस्ती पकड़ करके, बोल क्या इसका अर्थ होगा, ऐसे महाप्रभु बोलते थे। इसलिए महाप्रभु का विद्वान था, बड़े बुद्धिमान थे महाप्रभु। इसलिए कभी कभी मुकुंद को साथ में ये महाप्रभु का परिकर है, कभी कभी उसको साथ में, मुकुंद भी बड़ा पंडित था, बड़ा विद्वान था, हैं? कभी कभी मुकुंद को साथ में भिड़ जाते थे और मुकुंद जो कुछ बोलता था महाप्रभु एकदम खंडन कर देते थे, खंडन मंडन करते थे, हे को नहीं, नहीं को हे करते थे। इनकी विद्वता को देख करके मुकुंद बोले, भैया इसका क्या बुद्धि है, ये तो सर्वशास्त्र में तो पारंगत है। कभी कभी मुकुंद सोचते थे अगर ये कृष्ण भक्त हो जाए ना, है कहते ना इसी जगत में अगर कोई बड़े व्यक्ति अगर भक्त हो जाए क्या होता है, हमसे तो भैया हमारा दल बढ़ेगा, हमारा पार्टी बढ़ेगी अगर बड़े व्यक्ति, कहते ये इतने विद्वान इतने बुद्धिमान, अगर ये कभी अगर भक्त बन गया ना, फिर तो भैया इसका संग कभी मैं नहीं छोड़ूंगा, हर समय इसको साथ में रहा करूंगा, इतने विद्वान इतने बुद्धिमान हैं, कभी इनका संग नहीं छोड़ेंगे। तब यहाँ पर कह रहे हैं देखो, कहते ये जो विद्या है, अगर ये विद्या जगत का जितने आप विद्या पढ़ रहे हैं, कहते अगर ये विद्या भक्ति को साथ में जुड़ जाए ना, कहते तभी ये विद्या की सार्थकता हो जाता है। अगर हमने बहुत विद्या लिखाई पढ़ाई की लेकिन ये विद्या अगर प्रभु का भक्ति को साथ में नहीं मिला, लास्ट में जीरो है। सब ये विद्या विद्या पढ़े के न कृष्ण भक्ति जानी वाले हैं, सा विद्या जतन मतिर जया। इसलिए वही विद्या विद्या है जिसको द्वारा मति भगवान की चरण में लग जाए। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक को उत्थापन किया है, बोले ज्ञाने प्रयास मुद्दुपास, बोलो जोर से, जोर से उसी सुन, आप लोग बोलो क्या सुन, बोलो प्रभु जी आप लोग याद करवाए ना, बोलो याद करवाया था ना, ज्ञाने प्रयास मुद्दुपास नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोवी जे प्रायस अजीत जित त्रैलोक्याम। तो यहाँ पर ये श्लोक को उत्थापन किया है, कहते हैं ये बोले सन्मुख रीतं भवदीय वार्ताम है, कहते भगवान अजीत होने पर भी तब भी उनको वो जीत जाते हैं, है? जिनको कंट्रोल करना बहुत कठिन है वो भी कंट्रोल हो जाते, बोले कैसे, बोले सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम, अगर हम स्थाने स्थिता, बोले कहाँ पर हर समय रहो, बोले जहाँ पर भक्तों का मुखारविंद से कृष्ण कथा रूपी मंता की नदी जहाँ पर बह रही है वहीं पर रहा करो। कहते भैया इधर उधर ज्यादा घुमा मत करो, मना कर देते, इधर उधर घूमने से भव घुरे हो जाओगे, है नहीं घूम कर क्या करो, वहीं पर रहो जहाँ पर हरि कथा हरि कीर्तन हरि नाम, जहाँ पर हर समय कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बहती है, कहते वहीं पर रहो भक्त मनोहर ठाकुर कहते, वहीं पर रहकर क्या करो, बोले सन्मुख रीतांग भवदीय वार्ताम, है भक्तों का मुखार बिंद से, बोले भवदीय वार्ताम, भवदीय मतलब भगवान और भक्त, भक्त और भगवान, इनकी कथाओं को श्रवण करो, है। इसलिए यहाँ पर मुकुंद कह रहे हैं अगर ये निमाई अगर किसी तरह से भक्ति में आ गया, भैया इसका संग छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा, इतने बड़ा विद्वान है को नहीं, नहीं को है, लेकिन जब ये भक्ति में आ जाएगा क्या करेगा, जितने विद्वान को जितने विद्वता को क्या करेगा, सब कैसे भगवान की भजन में लगा देगा, सारे भक्ति को भगवान में लगा देगा। जैसे हमारे बंशीवर्धन प्रभु, कौन सा महाराज भूल जाता, बधाई महाराज, उन्होंने जो संस्कृत पढ़ा, उन्होंने जो संस्कृत पढ़े थे ना, अभी मैं जब देखता हूँ प्रभु जो एक एक शब्दों को ना, क्योंकि संस्कृत चुके पढ़े हुए थे, संस्कृत ज्ञान है, हा? संस्कृत ज्ञान है, लेकिन इस सब चीज को जब बोलते हैं ना, मेरे सुनकर बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि हमारे मंदिर में ना संस्कृत ज्ञान इतना किसका है ही नहीं, प्रभु जी का जितना इतना और किसका, कोई पढ़े थोड़ी बहुत, लेकिन प्रभु जैसे तुम लोग एक शब्दों को इतना समझाते हैं, एक टिकनी करके इतना छोटा छोटा रूप में है, इसलिए क्यों, चूंकि पहले संस्कृत ये थे टीचर थे, इसलिए अभी वो चीज को कहाँ पर लगा रहे हैं, अभी भक्ति में लगा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तभी ये विद्या की सार्थकता होगी, ये विद्या की सार्थकता होगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर ये किसी तरह से भजन में आ गया, ये जो विद्वता इसके अंदर में
अगर ये हरि भक्ति में लग गया ये विद्वता, फिर विद्वता की सार्थक हो जाएगा, फिर तो भैया इसका संगम में कभी छोड़ूंगा नहीं, दिन रात निवाई पंडित की साथ में रहा करूंगा, हैं? इनको साथ में रहा करूंगा। इसलिए श्रीमन महाप्रभु बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय। इसलिए कहते महाप्रभु ने उन्होंने गृहस्थ धर्म को उन्होंने कैसे कैसे घर में रह करके भजन करने चाहिए महाप्रभु ये भी सिखा दिया है। इसलिए महाप्रभु 26 साल तक तो गृहस्थ लीला की और 26 साल तक उन्होंने संन्यास लीला किया है, और गृहस्थ लीला में घर में रह करके एक गृहस्थ व्यक्ति को क्या करनी चाहिए महाप्रभु सिखा दिया। इसलिए कहते गृहस्थ हैया वैष्णव सेवा नहीं करे, पशु पक्षी है तो अधम बलिदारी। इसका मतलब है अगर कोई घर में रह करके गृहस्थ है या अतिथि सेवा नहीं करे, जो अतिथियों का सेवा नहीं करते हैं, हैं? साधु गुरु वैष्णव अतिथि का सेवा नहीं करते हैं, कहते पशु पक्षी है तो अधम बलिदारे, कहते पशु पक्षी से भी ज्यादा गया भी था वो व्यक्ति है। इसलिए गृहस्थ होकर क्या करने चाहिए, जो कुछ हम कमा रहे हैं सारे पैसा को अपना भोग में लगाए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कहते एक चौथाई अंश बताए, एक चौथाई अंश जो कमाते हैं इसको है, इसलिए साधु सेवा ठाकुर का सेवा भक्तों की सेवा में लगानी चाहिए, उसको द्वारा क्या होगा बोले सुकृति बढ़ेगी है, उसको द्वारा सुकृति बढ़ेगी। अगर खुद कमाए, अगर हमने खुद खा लिए, साधु गुरु वैष्णव का सेवा नहीं किया, फिर तुम्हारी सुकृति नहीं बनेगी, सुकृति नहीं बनेगी तो भक्ति में कभी बढ़ नहीं सकते। इसलिए स्वामी महाराज बोलते काय मन और वाक्य, हाँ संभव हो सके शरीर से करो, मन से करो, वाक्य से करो, अगर इससे नहीं होता ना अर्थ से करो। वो बोलते थे अर्थ से करो, बोले क्यों, बोले जिस पैसा को तुम कमा रहे हो इतना कष्ट करके पैसा को कमाया, लेकिन वो पैसा जब ठाकुर को सेवा में लगा फिर क्या होगा, परिश्रम से कमाया तुम्हारी एनर्जी वहां पर लगा, अभी वो एनर्जी अभी जब ठाकुर का सेवा में लगा उसको तरह क्या होगा, तुम्हारी सुकृति पुष्ट होगी है, सुकृति पुष्ट होगी, सुकृति पुष्ट होने पर धीरे धीरे भक्ति जगत में बढ़ सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ थे ना उसी समय में क्या होता था, महाप्रभु बोलते थे आ घर में आकर के बोले मैया आज घर में 20 संत आएंगे, नहीं तो 25-30 संत आएंगे, मैया खाने पीने का व्यवस्था कर, मैया तो चिंता में पड़ जाती थी 25 सन्यासी को बुला दिए, घर में कुछ है ही नहीं है, कहां से हम खिलाएंगे। इतने महाप्रभु गए एक सोने की ढेला ले, सोने की ढेला ला करके बोले लो माँ ले ये, इसको लो, उसको तोड़ करके घर में प्रसाद बनाओ। मैया बोली भैया घर में तो सोने का ढेला था नहीं, ये कहाँ से ले आया है, कहाँ से ले आए। मैया फिर अड़ोसी पड़ोसियों को सबको दिखा कर गांव में, भैया तुम्हारी घर में तो नहीं, तुम्हारी की नहीं, तुम्हारी तो नहीं, माँ को तो पता नहीं ना, भैया को मेरे बेटा कौन है, स्वयं सड़ा ईश्वर जो पूर्ण भगवान है, उनको तो पता नहीं हो सकता मेरे लाला है। फिर उन्होंने फिर दाल चावल सब्जी बढ़िया बढ़िया चीजें लाती थी, और रोसी कौन बनाती थी, स्वयं लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी साक्षात है, ये साक्षात लक्ष्मी ये रोसी बनाया करती थी। इसलिए कहते यहाँ पर कह रहे हैं साक्षात शुद्ध सत्यमय अभिर्ण वैकुंठ रूप में प्रकटित हुई। यहाँ पर कह रहे हैं जिस समय लक्ष्मी घर में आई, रमा स्वरूपिणी ये लक्ष्मी है, इनकी स्वरूप शक्ति रमा स्वरूपिणी लक्ष्मी जब आई, लेकिन इनके घर में लक्ष्मी आते ही जिस घर में स्वयं लक्ष्मी रहेगी वो घर में कभी कमी हो सकती है, वो घर ऐसे लगने लग गया साक्षात भगवान का धाम है। लेकिन रहस्य को कोई समझ नहीं पाए, लेकिन बिना मांगे अपने आप कहां से धन दौलत है, ब्राह्मण घर ना धन दौलत अपने आप कहां से आने लग गया। फिर लक्ष्मी प्रिया बड़े सुंदर सुंदर दाल सब्जी है भाजी बढ़िया सुंदर साग सब्जी बढ़िया सुंदर सुंदर लक्ष्मी बनाती हैं। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा करके घर में सारे साधु संतों को सेवा करते हैं, वैष्णव को सेवा करते हैं। इसलिए महाप्रभु ने दो सिख्या दिया, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु दो काम करनी चाहिए, एक तो वैष्णव का सेवा करनी चाहिए और एक नाम संकीर्तन करनी चाहिए, दोनों से जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाप्रभु स्वयं क्या करते थे, रोज स्नान करके आए, आकर के अपना घर में
क्या करते थे, कृष्ण पूजा महाप्रभु करते थे, सालग्राम को पूजा करते थे महाप्रभु, और स्वयं महाप्रभु तुलसी में पानी देते थे, तुलसी परिक्रमा करते थे, हैं परिक्रमा करते हुए उन्होंने घर में, इसलिए महाप्रभु स्वयं एक आदर्श जो गृहस्थ जीवन है, महाप्रभु आदर्श गृहस्थ जीवन को महाप्रभु पालन करते थे। इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं, अगर कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको क्या करनी चाहिए, ये सब काम करते हुए अगर घर में रहे तो जिस दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई, जिस दिन घर में भगवान का कीर्तन भजन पूजा पाठ हो, वो घर नहीं वही घर ही भगवान का धाम है। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ हरे कृष्ण, जो लोग देख रहे हैं सबके सब ताली बजाते हुए, ये कोरोना वायरस है, आप लोग लगता है कीर्तन ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए कोरोना वायरस जा ही नहीं रही, इसलिए बढ़िया से सब ताली बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करो, जैसे जगन्नाथ जी का कृपा हो आशीर्वाद हो कि कोरोना वायरस जल्दी चली जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जोर जोर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे hare krishna hare krishna 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 hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare, hare krishna 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 hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare, krishna krishna hare hare, hare rama hare rama 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 hare hare,
गौर भक्त वृंद की जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।